किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये कहावत चरित्रार्थ होती है एक प्रेमी जोड़े पर। दोनों लोग जो ग्रेजुएशन में साथ थे और प्यार कर बैठते हैं, एक बार समय वही अमीरी गरीबी की दीवार उनके सामने आती है, उन दोनों जोड़ों को अलग कर दिया जाता है। लेकिन उनके प्यार में वो ताकत थी, वो शक्ति थी कि अपने आप परिस्थितियां उनके अनुकूल इस तरह हो जाती हैं कि लड़की के माँ बाप को ना चाहते हुए भी हृदय उसका परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी लड़की की शादी उसी से लड़के से करती है। मित्रों नमस्कार, बहुत ही मार्मिक कहानी है। बस उसके पहले एक ही निवेदन कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आता हूं मूल कहानी पर। नवीन और रुचि एक कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों लोग पढ़ने में बहुत अव्वल थे, क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे और दोनों लोगों में एक कंपटीशन हुआ करता था पढ़ाई को लेकर। नवीन आगे निकलेगा कि रुचि आगे निकलेगी, दोनों लोग बराबर पे थे। साल के बाद भर के बाद जब एग्ज़ाम होता है, जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में दोनों लोगों के नंबर बराबर थे। इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो पढ़ाई को लेकर आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था, एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन उसके बाद वही है ना कि पेट्रोल और आग अगर साथ रहेंगी तो कहीं न कभी विस्फोट तो होना ही था। दोनों में प्यार हो जाता है, प्यार दोनों का परवाने चढ़ने लगता है। ऐसे करते करते बातें करते करते आपस में बात कुछ और आगे बढ़ती है। लेकिन एक दुखद इसमें पक्ष भी था कि रुचि के पिताजी बहुत अमीर थे और नवीन एक बहुत गरीब घर का लड़का था। जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म होने को होता है, रिजल्ट फाइनल आता है, दोनों लोग टॉप कर गए थे, दोनों के नंबर लमसम थे, एक दूसरे के करीब बराबर थे। उसके बाद दोनों लोग आपस में मिलना जुलना शुरू करते हैं पार्कों में, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं पिक्चर हॉल में दोनों लोग साथ आते जाते हैं। प्रेम इनका परवान चढ़ता है। एक बार पार्क में नवीन रुचि को लेकर बैठा था, रुचि कंधे पे सर रखती है नवीन के, नवीन से कहती है कि नवीन तुम हमें कितना प्यार करते हो। नवीन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, यही कह के वो रुचि को अपने बाहों में भर लेता है और रुचि भी उसके सीने से लग जाती है, रोने लगती है। रुचि कहती है कि नवीन हमें कभी अपने से जुदा न करना। नवीन कहता है पागल है, मैं तो 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए मैं तैयार हूँ, बस तुम्हारे पिताजी मान जाए। रुचि कहती है कि हमारे पिताजी हमारी इच्छा का ख्याल रखेंगे, बस पहल तो कीजिए। नवीन कहती है कि ठीक है आप घर चलिए, पहल हो जाएगी। दोनों लोग अपने घर जाते हैं। इस शाम को नवीन का फ़ोन आता है। नवीन कहता है कि रुचि मैंने अपने माता पिता को मना लिया है, तुम भी अपने मम्मी पापा को मना लो। तो कह ठीक है हमारे मम्मी पापा जी वैसे मान जाएंगे। रुचि अपने पापा से कहती है कि पापा उसके कहते हैं कि ठीक है बुलाओ, मैं बात करता हूँ। स्टेटस अगर हमारा उनका मेंटेन अगर एक जैसा होगा तो निश्चित रूप से शादी कर लेंगे। स्टेटस कुछ समझ नहीं पा रही रुचि कि पापा उसके कहना क्या चाह रहे हैं। नवीन फिर फ़ोन करता है, रुचि से कहता है कि पापा इसे कह दीजिए कि कल मैं अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ आपके घर पर आ रहा हूँ। रुचि के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो अपने पापा से कहती है कि कल नवीन के मम्मी पापा नवीन के साथ आ रहे हैं पापा जी। रुचि के पापा जी कहते हैं आने दीजिए। दूसरे दिन सवेरा होता है, रात भर बिस्तर पर उलटती पलटती है रुचि, उसको नींद नहीं आ रही थी, इधर नवीन को भी नींद नहीं आ रही थी, दोनों लोग कल्पनाओं में खोए हुए थे। वो दिन आ जाता है कि नवीन परिवार के साथ रुचि के घर पर आता है। रुचि का घर महल जैसा था, नौकर चाकर बाहर दो दो तीन तीन गाड़ियाँ खड़ी थी, उसको देखकर नवीन आवाक रह जाता है। नवीन के मन में शंकाएँ व्याप्त हो जाती हैं कि अरे रुचि तो बड़े अमीर बाप की बेटी है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। सोच ही रहा था इतने में नौकर से कहता है नवीन कि हमें रुचि के पिताजी से मिलना है। नौकर कहता है स्लिप लिखिए, तो स्लिप लिखते हैं, अंदर जाता है नौकर,
उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे पर रुचि ही खड़ी मिलती है। रुचि के चूँकि खुशी का ठिकाना नहीं था, वो पूरा फ्रेश तैयार होकर जो है नवीन का अगवानी करने के लिए तैयार थी। रुचि ले जाती है नवीन को, ड्राइंग रूम में बैठाती है। इतने में रुचि के पापा जी भी आते हैं। रुचि के पापा और नवीन के पापा जी में बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होते होते रुचि के पापा जी नवीन से कहते हैं कि बेटा तुम कर क्या रहे हो। बात असली वहीं पे आई। नवीन कहता है कि पापा जी मैं ग्रेजुएशन करने के बाद SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ, कई परीक्षाओं मैंने दिया है, रिजल्ट आने वाला है। तो रुचि के पिताजी कह रहे हैं रिजल्ट आने वाला है कि रिजल्ट आ चुका है, आज की डेट में तुम कुछ नहीं हो। तो नवीन कहता है जी अंकल, कहीं मान लीजिए तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम कितना पाओगे? कहीं 35 से 40 हज़ार। कहीं अरे 30 हज़ार तो मेरी बेटी का हफ्ते का खर्चा है, साल भर महीने में 50-60 हज़ार उड़ा देती है, तुम 40 हज़ार में कैसे खर्चा चला पाओगे? वो कहता है कि अंकल जी मैं कोशिश करूँगा और मेहनत अलग से भी करूँगा। कहीं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हमारा स्टेटस में एक नहीं है तो इसलिए शादी नहीं हो सकती है। नवीन रिक्वेस्ट करता है कि नहीं अंकल जी, हम बहुत प्यार करते हैं रुचि से। लेकिन वो कहता है नहीं कुछ नहीं। बातचीत नवीन के पापा जी से होती, बात हार्ट अटैक तक पहुंच जाती है। उसके बाद रुचि के पापा जी कहते हैं शादी नहीं करेंगे। नवीन पापा जी कहते हैं तुम लालची हो, पैसे के लिए शादी तुम ठुकरा रहे हो, बच्चों की भावनाओं की कदर नहीं करते हो। उसके बाद दोनों में बात इतनी बढ़ जाती है कि रुचि के पिताजी नौकर को बुलाते हैं, कहते हैं इन लोगों को बाहर निकाल दीजिए यहाँ से। रहा नहीं गया नवीन को। नवीन फिर आता है, रिक्वेस्ट करता है कि पापा जी ऐसा न कीजिए। रुचि भी कहती है कि पापा जी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन रुचि के पापा जी दो कंटा रुचि को लगाते हैं, उसको घसीट के अंदर ले आते हैं, नौकर से कहते हैं इन लोगों को बाहर कर दो। कहा क्या करता नवीन? अपने माता पिता को लेकर बेआबरू होके बाहर चला जाता है। उसके बाद रुचि के पिताजी रुचि की शादी आनंद फानंद में तय करते हैं। सगाई की रस्म भी पूरी हो जाती है। सगाई की रस्म पूरी होने के बाद रुचि फ़ोन मिलाती है नवीन को। नवीन का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, बहुत परेशान होती है। अंत में एक उसके मित्र का नंबर था नवीन के, उसको मिलाती है। नवीन चूँकि नया नंबर लिया था, उस नंबर पे कांटेक्ट करती है। नवीन से कहती आखिर तुम भूल कैसे गए? नवीन कहा कि मैंने भूला नहीं रुचि, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने प्यार को बलिदान किया है। हमको पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है तो बीच में मैं टांग नहीं अड़ाना चाहता था कि कहीं तुम्हारी खुशी में कहीं दखल न पड़े। रुचि कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। नवीन समझाता है रुचि को कि रुचि अगर प्यार मेरा सच्चा होगा तो एक दिन मैं ज़रूर मिलूँगा, लेकिन जैसे तुम्हारे माता पिताजी कहते हैं वैसे तुम करो। रुचि को समझाता है, रुचि कहती है कि नवीन शरीर तो मेरा शायद किसी के पास रहे लेकिन आत्मा तुम्हारे ही पास रहेगी। यही कह के फोन रख देती है, रोने लगती है रुचि। शादी का दिन आता है, पूरा महल की तरह रुचि का घर सजाया जाता है कि बैंड बाजे के साथ बारात आती है। बाराती सब खुश थे, पूरा खुशनुमा माहौल था। दुखी थे तो सिर्फ अपने घर पे रुचि और अपने घर पर उसका प्रेमी नवीन। लेकिन विधि को तो और ही कुछ मंजूर था। जयमाल का वक्त आता है, जयमाल के समय रुचि को तैयार करके बाहर लाया जाता है और ऊपर लड़कियां जैसे रुचि को लेकर आ रही थी, सीढ़ी से लड़खड़ाती है रुचि, नीचे गिर जाती है दो मंजिला को, उसको काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। तुरंत लेके रुचि के पापा जी उसको हॉस्पिटल भगते हैं और इधर लड़के वाले भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, दोनों तरफ के रिश्तेदार पहुँच जाते हैं और डॉक्टर से फिर पूछते हैं रुचि के पापा कि डॉक्टर साहब कैसी हालत है बिटिया की। तो डॉक्टर कहते हैं कि रुचि को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, पैर फ्रैक्चर हो गया है, मैंने ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन शायद वो ज़िंदगी भर अपाहिज रहे। होश उड़ जाते हैं रुचि के पापा जी, लड़के के पिताजी भी वहीं पर खड़े थे। लड़के के पिताजी रुचि के पापा जी से कहते हैं कि भाई साहब अब तो हम शादी नहीं कर पाएंगे, चूँकि आपकी लड़की खूबसूरत थी लेकिन अब तो खूबसूरत भी नहीं रही, अपाहिज भी हो गई। दोहरा झटका लगता है रुचि के पापा की। रुचि के पापा जी कहते हैं कि भाई साहब मेरी बिटिया अपाहिज हो गई, मैंने शादी की इतनी व्यवस्था किया है, आप ऐसा न कीजिए, मेरे ऊपर रहम कीजिए। हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं
अपने संधि के सामने, लेकिन संधि एक नहीं सुनता है। अंत में रुचि के पापा जी कहते हैं कि भाई साहब 5-10 लाख रुपए और ले लीजिए, लेकिन ऐसा न कीजिए, मेरी बिटिया मर जाएगी, कम से कम मेरे ऊपर रहम न करिए, तो मेरी बेटी के ऊपर तो रहम करिए। लेकिन एक भी नहीं सुनते हैं, सुनता है संधि, संधि ठोकर मार देता है, कहता है शादी कदापि नहीं करूँगा, वो इनकार देता कर देता है। इतने में रुचि को नर्स लेकर आती है व्हीलचेयर पर, रुचि देखती है कि उसके पापा जी रो रहे हैं, कहती पापा जी बात क्या है, तो कहती बेटा तुम्हारी शादी टूट गई, अब बारात वापस जा रही है। रुचि कहती पापा जी आप रो क्यों रही हैं, उसकी निगाह पड़ती है नवीन सामने खड़ा था, कहीं वो है तुम्हारी बारात और मेरा दूल्हा वही है। अंत में सच्चा प्यार जीत जाता है। रुचि के पापा जी नवीन के पिताजी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई साहब हमको माफ़ कर दीजिए, मैंने जितनी बेइज्जत उस दिन आपसे आपकी की थी, ईश्वर ने हमें उसका 10 गुना हमको मिला उसका पारितोषिक, हमको उसका फल मिल गया, अब माफ़ कर दीजिए। नवीन के पिताजी कहते हैं कि माफ़ी की कोई बात नहीं भाई साहब, चलिए मुहूर्त निकला जा रहा है, जयमाल की तैयारी कीजिए। मुहूर्त आता है, दूल्हे के रूप में नवीन को तैयार किया जाता है, चूँकि आज प्यार की जीत हुई थी, दोनों की धूमधाम से शादी की जाती है। बात आती है जयमाल हो जाता है किसी तरह, उसके बाद सात फेरे की बात आती है, चूँकि रुचि अपाहिज थी, अपनी गोद में उठा लेता है नवीन रुचि को, सात फेरे लगता है अपनी दुल्हन के साथ, फिर खुशी खुशी विदाई करा के अपने घर जाता है। इस तरह प्रेमी प्रेमिका दोनों लोग मिट जाते हैं। वही है कि सच्ची लगन हो, स्वप्न सब साकार होते हैं। अगर आपके प्रेम में पवित्रता है तो निश्चित रूप से आपका प्यार एक दिन मिलेगा। कैसी मेरी कहानी लगी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।